पहला क्वेश्चन है आपके पास ना, क्वेश्चन में कंसेंट्रिक रिंग्स के बने हैं, देख रहे हो, एक के अंदर एक के अंदर एक, करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड सो ऑन, इंफिनिटी है। आपको ये बताना है इसके सेंटर पे नेट बी क्या होगा। तो आप सर्कल का फॉर्मूला लगाएं, सर्कल के सेंटर पे बी का फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई, करेक्शन कर लेना यहाँ पर r2 स्क्वायर r है, तो पहली रिंग का फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर, दूसरी रिंग का फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई पाई बाय 2 आर, तीसरे में 2 क्यूब आर, कोई मुझे ये 2 स्क्वायर आर फिर 2 क्यूब आर, कोई ये बताएगा प्लस माइनस क्यों है, क्यों डायरेक्शन, क्योंकि इसमें करंट कैसे है ऐसे, तो बी कैसे है आउट, तो अगली में कैसे है इन, अगली में कैसे है आउट, अगली में कैसे है इन, तो आउट और इन ऑब्वियसली एडजस्ट करने पड़ेंगे प्लस माइनस के साथ, तो आउट को प्लस ले लिया, इन को माइनस ले लिया, तो ये टर्म बन गई, यहां से कॉमन निकाल लिया, ये टर्म मैथ्स की जीपी बन गई, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कैसे आप सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें माइनस हाफ, नेक्स्ट टर्म को नेक्स्ट से डिवाइड करें माइनस हाफ, नेक्स्ट को नेक्स्ट से डिवाइड करें माइनस हाफ, तो इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है वो मैंने बहुत बार करवाया है शायद पहले भी, ए अपॉन 1 माइनस आर, ए का मतलब है फर्स्ट टर्म 1 और आर का मतलब है रेशियो, ए अपॉन 1 माइनस आर, बाकी टर्म एज इट इज सॉल्व करके ऑप्शन मार्क कर लेना आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक कि क्या लॉजिक लगेगा। तो सभी रिंग्स का मैग्नेटिक फील्ड ऐड करना है इसमें, प्लस माइनस करके कॉमन निकाल के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा, जीपी लगा के आपके पास आंसर आएगा। पहला स्टेप यहाँ तक क्लियर है। अब ये एक क्वेश्चन है, ये बेसिकली एनसीईआरटी की ही प्रॉब्लम है वैसे। इसके अंदर ये गिवन है कि आपको एक करंट कैरिंग वायर गिवन है, ये करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरी वायर के हर लाइन के अंदर और बाहर निकल आया। आपको नेट भी बताना है इसके सेंटर पे क्या होगा। वैसे इसका नेट भी सेंटर पे जीरो होता है। क्यों जीरो होता है आप मुझे बस एक चीज़ बताएं कि अगर आपके पास ये एक वायर है और ये एक वायर है कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, और मेरे को इसका मिड पॉइंट लेना है, मिड पॉइंट पर बी की वैल्यू क्या होगी। देखो जो मैग्नीट्यूड इस वायर का होगा वही मैग्नीट्यूड इस वायर का होगा, ठीक है, वैल्यू तो सेम ही होगी, आर भी सेम है, करंट भी सेम, सब कुछ सेम है, डायरेक्शन बताओ। ऊपर वाली वायर बी कैसे जनरेट करेगी इसमें, इनसाइड, और नीचे वाली वायर कैसे जनरेट करेगी, आउटसाइड। तो नीचे वाली वायर आउटसाइड, ऊपर वाली वायर इनसाइड, तो नेट बी की वैल्यू यहां पर क्या आएगी, जीरो। तो इसका मतलब एक बात पक्की है, अगर दो पैरेलल वायर्स हैं और सेंट्रल पॉइंट है, करंट सेम डायरेक्शन में है, आर भी सेम है, आई भी सेम है, नेट भी जीरो होगा। अब देखो सेम सिमेट्री किस में बनी, क्यूब में बनी। क्यूब के अंदर इमेजिन करो एक वायर, वो सामने वाली वायर जा रही है, साइड है, इस रूम को क्यूब मान लेते हैं, एक वायर, चलो ये मान लो एक वायर ये रही, एक वायर ये रही, जितनी दूरी इस पॉइंट की इस वायर से है उतनी दूरी इस डायगोनल वायर से, दोनों का अफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। ऐसे इसका अफेक्ट ये कैंसिल कर देगी, इसका अफेक्ट ये कैंसिल करेगा, इसका अफेक्ट ये कैंसिल करेगा, नेट अफेक्ट जीरो, सब कैंसिल हो जाएगा, आंसर जीरो। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि नेट फील्ड जीरो क्यों होगा। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आपको बुक्स में मिलेगा, इस क्वेश्चन को देख लें। इसके अंदर ये गिवन है आपको ना, इस बार कंसेंट्रिक रिंग्स नहीं दी, स्पाइरल वायर दे दी, स्पाइरल की फॉर्म में, देख रहे हो गोल 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 चलती जा रही है। पहला स्पाइरल ए रेडियस से शुरू होता है, आखिरी बी पे खत्म होता है। कितने टर्न्स हैं मालूम नहीं, कितने टर्न्स हैं इसमें ये नहीं मालूम कितने टर्न्स हैं, चलो शायद गिवन होना चाहिए इसमें एन टर्न्स हैं, हाँ ये रे एन टर्न्स हैं, ए से लेके बी तक एन टर्न्स हैं, और स्पेसिंग इसमें बराबर गिवन है, स्पाइरल में स्पेसिंग बराबर है। अब वो कह रहा है कि आपको नेट भी निकालना है इसके सेंटर पे क्या होगा, नेट भी इसके सेंटर पे क्या होगा। अब आपको क्या करना है, देखो आपको तो एक रिंग का फॉर्मूला आता है, इसमें तो पता नहीं इनफाइनाइट रिंग्स हैं या बहुत सारी रिंग्स हैं, एन नंबर ऑफ रिंग्स हैं। अब आप एक काम करेंगे, इसमें प्रॉपर रिंग्स भी नहीं है, आप एक काम करें इसमें ना एक रिंग लें, एक पोर्शन लें जो रेड कलर का मैंने गोल कर रखा है, एक पोर्शन कंसिडर कर लें, एक रिंग की तरह काम कर रहा है ये, इसका रेडियस आर ले लें और इसकी थिकनेस डी आर ले लें। तुम्हें नहीं पता इस थिकनेस के अंदर कितने टर्न्स घूम गए, छुपे हुए हैं ना,
तुम थिकनेस क्या लोगे, तुम्हें क्या पता उसमें कितने स्पाइरल घूम गए, ठीक, वो तुम्हें पता नहीं कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तुम्हारी इस रेड कलर के रिंग के अंदर कितने टर्न्स हैं, दो हैं तीन हैं मालूम नहीं तुम्हें, तुम पहले वो निकाल लो। अगर आप ए से बी तक जाते हो तो डिफरेंस कितना है, बी माइनस ए, बी माइनस ए के अंदर एन टर्न्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, वन लेंथ में इतने टर्न्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, हमारी जो रेड कलर की जो रिंग है उसकी थिकनेस डी आर है, उसमें इतने टर्न्स हैं, तो पहले तुमने रेड कलर के पोर्शन में नंबर ऑफ टर्न्स डी एन निकाल लिए, वैसे नंबर ऑफ टर्न तो एन है पर तुमने रिंग के लिए सॉल्व कर लिया, तो रिंग के लिए आपने क्या सॉल्व कर लिया, डी एन आ गया। अब रिंग का फॉर्मूला तुम्हें आता है, रिंग का फॉर्मूला सेंटर पे क्या होता है, बी का म्यू नॉट बाय 4 बाय 2 पाई आई बाय आर इनटू नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, डी एन, जो हमने रिंग ली उसका रेडियस हमने क्या लिया, आर, और नंबर ऑफ टर्न्स हमारी जो रेड कलर की रिंग है उसमें छुपे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, डी एन, ये डी बी आ गया टोटल, और डी एन की वैल्यू को पुट कर देना ऊपर से एन अपॉन बी माइनस ए इंटू टी आर, ये रहा, ये आ गया। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए दोनों साइड्स की इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में डी आर की इंटीग्रेशन, बाकी सब कॉन्स्टेंट है, आर वाले टर्म को अंदर रख लें, पहला स्पायरल कितने रेडियस का है, ए, आखिरी स्पायरल कितने रेडियस का है, बी, इसे इंटीग्रेट करें, वन बाई आर की इंटीग्रेशन क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ आर, तो ए से बी, एक बार बी की जगह अपर लिमिट, एक बार अपर लिमिट, लोअर लिमिट, लॉग बी माइनस लॉग ए, मैथ्स में लॉग बी माइनस लॉग ए इज लॉग ऑफ बी बाई ए, आंसर, ये ऑप्शन मार्क करेंगे ऑब्जेक्टिव के अंदर, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक लगेगा इसमें, तो इसके अंदर ना तीन किस्म के क्वेश्चन हैं ऐसे, आप सोचेंगे यार घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं भी सोचता था पहले कि यार ऐसे तो मुझे उल्टे से कुछ भी क्वेश्चन दे देगा, तो मैंने ऑब्जर्व किया तीन किस्म के क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कंसेंट्रिक रिंग्स का वो हमने कर लिया, दूसरा स्पायरल रिंग्स का वो भी हमने कर लिया, तीसरा डिस्क का करने जा रहे हैं, अभी करेंगे नेक्स्ट। तो इसके लिए काम करना है आपकी जो सब्जेक्टिव शीट्स मैंने आपको अभी दी हैं, सब्जेक्टिव शीट्स के अंदर बीच में ना सॉल्व शीट्स भी हैं, जो आज आपको ये शीट मिली है ना जिसमें ये लिखा हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म सब्जेक्टिव शीट्स में, पहली शीट को छोड़ दें, दूसरी शीट पे आएं जो सॉल्व है, ठीक, वाइट सबमिट लगी कंपटीशन की शीट है ये, प्लीज एनसीईआरटी के लिए नहीं है, लिख लेना, नॉट फॉर एनसीईआरटी ओनली फॉर कंपटीशन, लिख लेना। इसके अंदर बहुत सही क्वेश्चन आया और इतनी बार आया हुआ आप सोच भी नहीं सकते, और बहुत लोग जो पहली बार करते हैं इसको करके जरूर आते हैं और गलत करके आते हैं, और जो ध्यान से पढ़ के जाता है उसका ठीक हो जाता है। देखो कैसे, एक रिजल्ट हमने किया कि अगर मान लो एक लूप है जिसमें आई करंट है और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, अगर मैं इस लूप के नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दूं और कितने कर दूं, एन कर दूं, तो मेरा रिजल्ट कितने टाइम्स हो जाता है, एन टाइम्स हो जाता है, ये रिजल्ट किया हमने, मेरा रिजल्ट एन टाइम्स हो जाएगा, कोई डाउट इसमें, ऐसा किया। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें, क्वेश्चन है लॉन्ग वायर कैरीज अ स्टेडी करंट, ठीक है लॉन्ग वायर है, स्टेडी करंट आए है, इट इज बेंट इन टू अ सर्कल ऑफ वन टर्न, एक टर्न घुमा दिया, और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, बी आ गया, डन, एक लूप मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया। वो कह रहा है कि अब मैंने इसको उसी वायर को एन टर्न्स में घुमा दिया, तो बोलो मैग्नेटिक फील्ड कितना आना चाहिए, बहुत लोग मार्क करके आएंगे एन टाइम्स, मैंने खुद बताया अगर नंबर ऑफ लूप्स एन हो जाएं तो रिजल्ट एन टाइम्स हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा आपका, कोई बताएगा क्या इसमें प्रॉब्लम है, गलत क्यों होगा जबकि रिजल्ट बिल्कुल ठीक था, वो प्रॉब्लम क्या है इसकी, यहां पे वो फॉर्मूला चल क्यों नहीं रहा, हाँ क्योंकि जो मैंने रिजल्ट बताया उसके अंदर मैंने कहा कि आई करंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, जब मैंने अगले नंबर ऑफ टर्न्स बताए मैंने रेडियस को चेंज ही नहीं किया, मेरी बात तो इनफाइनाइट लेंथ में घुमाता जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है इसमें, उसने कहा कि एक फाइनाइट लेंथ है, उस लेंथ को पहले आपने एक टर्न दिया फिर आपने उसको एन टर्न दिए, जब आपने एन टर्न दिए तो रेडियस क्या हो गया, कम हो गया, तो अगर आपका रेडियस कम नहीं होता तो आपका आंसर एन टाइम हो जाता, पर क्योंकि इसमें आपका लेंथ एल है जो कि वही रेडियस को वही लेंथ को आपने घुमाना है एन टर्न्स में, तो आपका जो लूप बनेगा वो छोटा बनना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गए,
रेडियस भी चेंज हो रहा है, जिस वजह से आपका आंसर ये लगेगा नहीं रिजल्ट। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो एक काम करते हैं, केस नंबर वन करके देखते हैं। केस नंबर वन, अगर एक टर्न है, एल लेंथ है वायर की, आपके पास ये चेंज नहीं होगी, 2πr एक टर्न कर दिया तो आर की वैल्यू आ गई। सेंटर ऑफ द सर्कल पे बी का फॉर्मूला होता क्या है, म्यू नॉट बाई 4π 2πi बाई आर, आर की जगह ये वैल्यू को पुट कर दिया इक्वेशन नंबर वन, तो एक आंसर आ गया। क्लोज करें इसे। नेक्स्ट है केस नंबर टू, मैंने इसी लेंथ एल को घुमा दिया एन टाइम्स, तो एडजस्ट कहाँ करना पड़ा मुझे, रेडियस में। तो एल की वैल्यू क्या आ गई, एन इंटू 2πi आर डैश, कोई डाउट इसमें? तो एल की वैल्यू आ गई एन इंटू 2πi आर डैश, यहां से आर डैश आ गया। अब आर डैश के अंदर भी एन छुपा हुआ है, अब बी डैश क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4πi 2πi आई बाई आर डैश, और नंबर ऑफ टर्न्स के लिए एन से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो आर डैश चेंज हो गया, नंबर ऑफ टर्न तो एन करने ही करने हैं। इस आर डैश को उठा के यहां पे पुट किया, यहां से एन इंटू एन एन स्क्वायर हो गया। इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर वन को डिवाइड करें तो आंसर एन स्क्वायर आ गया। एक शॉर्टकट याद कर ले सीधा, अगर आपकी लेंथ चेंज नहीं होती और आपने नंबर ऑफ टर्न्स एन कर दिए उसी लेंथ से, आपका रिजल्ट एन टाइम्स नहीं होगा, आपका रिजल्ट एन स्क्वायर टाइम्स भी होगा। ये शॉर्टकट है, तो मेरे से पूछोगे मैं सॉल्व नहीं करूँगा, मैं सीधा मार्क करूँगा एन स्क्वायर। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो अगर आपके पास लेंथ एल है और आपने उसके नंबर ऑफ टर्न्स किए हैं तो आपका आंसर एन स्क्वायर इंटू पी हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंस में आई हुई प्रॉब्लम है, घुमा घुमा के पूछी हुई है, कुछ नहीं। अ वायर कैरिंग अ करंट आई इन द शेप ऑफ अ प्लेन कर्व, ये रहा एक प्लेन कर्व आर्क की फॉर्म में, जिसका रेडियस इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, थीटा पे डिपेंडेंट है कहीं आर। फिर आर एंड थीटा बीइंग पोलर कोऑर्डिनेट्स, मेडिकल वालों को पोलर कोऑर्डिनेट देखने की जरूरत भी नहीं है, कुछ चाहिए नहीं आपको। मैग्नेटिक फील्ड एट पोल विल बी इक्वल टू, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आप बस मुझे ये बताओ। अगर आई करंट है, डी थीटा एंगल लिया, थीटा एंगल क्यों नहीं लिया, डी थीटा क्यों लिया, सारी ऑप्शन में डी थीटा गिवन था इसलिए। तो बी का फॉर्मूला आर्क की वजह से होता क्या है, म्यू नॉट बाय 4πi डी थीटा आई बाय आर। टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन, ऑप्शन मार्क कर लो, ऐसे कुछ ऑप्शन है, कुछ भी नहीं है, इसी फॉर्म में आंसर दे दिया उसने, मेडिकल में तो नहीं आएगा खैर ये, बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये किस तरीके से किया, कुछ नहीं किया उसने, आर का फॉर्मूला लिखा और इंटीग्रेट करके दिखा दिया। लेकिन देखो ना क्वेश्चन में कितना डरावना बना दिया कि पता नहीं क्या पूछ लिया, कुछ ना पूछा, तुम ऑप्शन देके वैसे ही मार्क कर लोगे। आपका मैग्नेटिक फील्ड आर स्क्वेयर तो होता ही नहीं, आर स्क्वेयर तो होता ही नहीं, ये तो उड़ गया। म्यू नॉट बाय 4πi होता है, 2πi तो होता ही नहीं, छोड़ो आंसर ही आ गया, ना भी समझ में आए तब भी आंसर ही आ गया। ठीक है, ठीक, ये क्वेश्चन देखो, जेई मेन की बुक में अगर आपको बायट सेवर्ट लॉ करना है आज के बाद कर सकते हो, एमपीएस सेवर्ट लॉ नहीं, बायट सेवर्ट लॉ, अगर आपको क्वेश्चन दिखता है आज की शीट के बाद हो जाएंगे, डिले मत करना, जो बुक है सॉल्व करनी शुरू कर देना, बायट सेवर्ट लॉ डन कर देना। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, फोटोग्राफ रिकॉर्ड ऑफ रेडियस कैपिटल आर विच कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज क्यू इज रोटेटिंग विद कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। वो कह रहा है देखो जी एक डिस्क है, डिस्क के ऊपर कैपिटल क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह, पर तुमने उसे घुमाना शुरू कर दिया, चार्ज घूमेगा तो करंट पैदा होगा, करंट होगा तो सेंटर पे बी जनरेट हो जाएगा। तो कह रहे डिस्क की वजह से बी सेंटर पे क्या हुआ ये बताओ। अब सीधा डिस्क की प्रॉब्लम तो जिंदगी में फिजिक्स में सॉल्व हो ही नहीं सकती ना, डिस्क किससे बनी हुई है, रिंग से, तो रिंग में जाना पड़ेगा। तो पहले डिस्क के ऊपर कैपिटल क्यू चार्ज है, आपने इसे ओमेगा से घुमा दिया, तो मान ले डिस्क किससे बनी हुई है, रिंग से,
रिंग कोई भी आर्बिटरी चूज कर लें, स्मॉल आर जिसकी थिकनेस कितनी है डी आर, इस रिंग पे चार्ज है डी क्यू। मैंने रिंग क्यों ली, मेरे को रिंग का बी निकालना आता है, सभी रिंग का बी निकालने के लिए मैं इंटीग्रेशन यूज करूंगा। तो पहले काम करना पड़ेगा इस रिंग में करंट कितना है वो निकालो। करंट क्या होता है, डी क्यू बाई टाइम पीरियड, क्योंकि एक चक्कर का टाइम पीरियड कैपिटल टी है, तो स्मॉल करंट रिंग में क्या होगा डी क्यू बाई टी। और सबसे पहले आपको रिंग का चार्ज निकालना पड़ेगा। रिंग में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होता है, एरिया वाइज हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में किया था, डिस्क में चार्ज एरिया वाइज है। तो अगर एरिया डिस्क का पाई आर स्क्वायर है तो चार्ज कितना है क्यू है, अगर वन है तो क्यू डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर है, और अगर ये शेडेड एरिया टू पाई आर इंटू डी आर है, सर्कमफ्रेंस इंटू थिकनेस एरिया होता है, तो ये डी क्यू की वैल्यू आ गई, चार्ज की वैल्यू आ गई। तो चेक करो ये रहा डी क्यू। तो आपने डिस्क का क्या लिया, चार्ज अपॉन एरिया, और रिंग के एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया डी क्यू आ गया। तो रिंग का चार्ज आ गया, रिंग का स्मॉल करंट आ गया, टाइम पीरियड को 2 पाई बाय ओमेगा पुट कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन में ओमेगा गिवन है, तो कैपिटल टी को ओमेगा में कन्वर्ट कर लिया, तो ये डी आई आ गया। रिंग का स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, 2 पाई आई बाय आर की जगह डी आई बाय आर, इस डी आई की वैल्यू को उठा के यहां से यहां पुट कर लिया, तो आपके पास ये टर्म आ गई। और डी क्यू की वैल्यू, ये पूरी की पूरी डी क्यू की वैल्यू को यहां पुट किया सॉल्व करके, ये टर्म आ गई। इसे अगर इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्क का भी आएगा, इंटीग्रेशन की लिमिट क्या लगेगी, जीरो से लेके कैपिटल आर तक हम इंटीग्रेट करेंगे, डिस्क का रेडियस कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर पुट करके ये आंसर आएगा। फॉर्मूला रजिस्टर में एंट्री करो इसकी, फॉर्मूला रजिस्टर में लिखो कि एक चार्ज्ड डिस्क है, लिखो एक चार्ज्ड डिस्क है जिसके ऊपर चार्ज कैपिटल क्यू है, और अगर ये ओमेगा से घूम रहा है, रेडियस आर है, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे ये फॉर्मूला है, बस सीधा ऑप्शन मार्क कर लेना, आंसर आ गया। कौन घुमाएगा डिस्क को बार बार वहाँ पेपर में, समझ में आ रहा है, यहाँ तक स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिलेगा, सीधा ऑब्जेक्टिव मार्क कर देना। मेथड इसलिए कराया कल को चेंज हो जाए तो पता होगी करना क्या है, अदरवाइज स्टैंडर्ड आ गया तो यही आंसर है, बहुत बुक्स में स्टैंडर्ड है, यही आंसर मार्क कर देना। ठीक है यहाँ तक तो सीधा मार्क कर लेंगे ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है, एक रेगुलर पॉलीगन है, पॉलीगन ऑफ एन साइड्स, तो एक रेगुलर पॉलीगन है जिसमें एन साइड्स हैं, टोटल लंबाई पॉलीगन की 2 पाई आर है, करंट इसमें आई है, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ पॉलीगन में निकालना है। तो पॉलीगन मन में सोचो ये रहा, कितने साइड्स, पता नहीं कितनी साइड्स हैं, एन साइड है, कंप्लीट कर नहीं सकता मैं, तो एन साइड्स हैं, आपको सेंटर पे बी निकालना है, पॉलीगन स्ट्रेट लाइंस का बना हुआ है, तो कोई भी एक साइड ले लें इसकी, साइड मान लेते हैं इसकी कितनी है ए है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमें तो पॉलीगन का पूरा सर्कमफ्रेंस गिवन है जो कि कितना है 2 पाई आर है। अगर पॉलीगन की एक साइड ए लेंथ लंबी है तो ऐसी कितनी साइड्स हैं पॉलीगन की, एन साइड्स हैं, तो टोटल लेंथ पॉलीगन की क्या होगी एन इंटू ए, जो किसके इक्वल होगी 2 पाई आर। यहाँ से सबसे पहले तो ए निकल आया, तो पहला स्टेप क्लियर है, ए कैसे निकलेगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए एन टाइम्स एन ए इक्वल टू 2 पाई आर, यहाँ से पहले तो ए निकाल लिया। अब पॉलीगन का हर एंगल, क्योंकि पॉलीगन के सेंटर पे एंगल क्या बनने वाला है 2 पाई, हर क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है, हर साइड जो एंगल बनाएगा टोटल एंगल को नंबर ऑफ साइड से क्या कर दिया डिवाइड, तो एक साइड का एंगल सबटेंडेड क्या आएगा 2 पाई बाय एन, कोई डाउट इसमें, ये स्टेप भी क्लियर है। तो यहां पर एंगल सबटेंडेड की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर 2 पाई बाय एन। अब क्योंकि मेरे को यहां पर बी निकालना है तो मेरे को ये दूरी चाहिए होगी एक्स, ये भी गिवन नहीं है, तो अगर ये ए है तो आधी साइड क्या है ए बाई टू, और ये एंगल है एल्फा, मुझे एल्फा भी गिवन नहीं है, पर मुझे टोटल एंगल पता है कितना है 2 पाई बाय एन, 2 पाई बाय एन किसके इक्वल है एल्फा, एल्फा 2 एल्फा, तो एल्फा की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाय एन।
चलो अल्फा तो आ गया हमारे पास कम से कम, ठीक है यहाँ तक अल्फा की वैल्यू आ गई। अब ये एक्स निकाल लेते हैं, मुझे पता है कि टेन अल्फा किसके इक्वल है, ए बाई टू बाई एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू तो पता ही है मुझे, यहाँ से निकाली हुई है टू पाई आर बाई एन, एक्स की वैल्यू आ गई। अब शुरू हुआ क्वेश्चन, ये साइड है एक्स दूरी पे बी का फॉर्मूला म्यू नॉट बाई फोर पाई आई डिवाइडेड बाई एक्स साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, कि एक साइड का बी है, ऐसे कितनी साइड्स हैं, एन साइड्स हैं, तो रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, एन के साथ। ये ऐड होके टू साइन अल्फा हो गया, एक्स हमने निकाल रखा है ये रहा, इस एक्स को यहाँ पुट कर दिया और टेन हो गया, टेन को लिखा साइन बाई कॉस, तो यहाँ से साइन 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 स्क्वायर हो गया। आगे ऑब्जेक्टिव में जो ऑप्शन गिवन होगा सिंप्लीफाई करके मार्क कर लेना, ये तो मैंने वैसे ही कर दिया, और ऑब्जेक्टिव के अंदर जो मार्किंग करनी है कर लेना, मेथड सिखा सकता हूँ ऐसे कुछ करना है, ठीक है। होमवर्क जो आपका ये है, होमवर्क में इसे पहली वाली शीट आपने करनी है ट्राई, सब्जेक्टिव 35 ट्राई करनी है। सब्जेक्टिव 35 के बाद जो प्रॉपर एनसीईआरटी की शीट है, जैसा पेपर आता है एनसीईआरटी में, शीट नंबर 36 है, ये ट्राई करनी है। 35 और 36 आपने ट्राई करनी है, दोनों एनसीईआरटी की शीट है, कॉम्पिटिशन की नहीं है, कॉम्पिटिशन में कम आता है, जो आता है मैंने बता दिया, ठीक।